दोस्तों, साइंस पावर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जो चैनल का नाम है वो सब्सक्राइब करें। भाई दोस्तों, 10 मई 2020 करंट अफेयर सभी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। जिस किसी को भी इसका PDF डाउनलोड करना है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम विद फैक्ट के साथ स्टैटिक साथ सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला को हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया? तो इसका आंसर, सही आंसर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। तो जानते हैं दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है। इस ऐप का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करना और मजदूरों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखना है, और मजदूरों का डेटा कलेक्ट कर भविष्य में उन्हें उनके कौशल के हिसाब से नौकरी और आजीविका प्रदान करना है। दोस्तों, बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदी बेन पटेल। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और यहाँ का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो गोविंद माथुर। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं 80 और राज्यसभा सीटें 31 से, और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 404 हैं। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी राज्य है जिसकी सीमा किससे लगती है? नेपाल से है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दोस्तों, यदि ये केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली को भी मिला लिया जाए तो उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ को कितना कर दिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है, सही आंसर है, 0 कर दिया है। तो दोस्तों, वो जानते हैं GDP क्या होती है। दोस्तों, GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। तो ये क्या होता है? किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दोस्तों, बात आई है मूडीज। मूडीज क्या होता है? मूडीज कॉरपोरेशन अमेरिका की एक कंपनी है जो बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी है। इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और इसका संस्थापक कौन है? जॉन मोडी है, और इसके CEO रेमंड ब्लू मैग डेनियल हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो ये इसका आंसर, सही आंसर है, 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य है दोस्तों, इस दिन का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को क्या कर जागरूक करना। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसे मनाने की घोषणा किसने की है? यूएन ने की है। तो बात आई है दोस्तों, प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की इसकी थीम क्या है? पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। इंग्लिश में ही याद करें दोस्तों इसको तो अच्छा रहेगा, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। इसकी थीम क्या है? वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो दोस्तों, यूएन की बात आई है, तो यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, हिंदी में क्या कहें? संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किसने कोविड-19 टेस्ट
टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता किया है। तो किसने समझौता किया है दोस्तों? ICMR। तो दोस्तों ICMR क्या होता है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इस ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों इसे? भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 1911 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। महानिदेशक कौन है? बलराम भार्गव। भारतीय डाक, इंडिया पोस्ट क्या है? भारतीय डाक। भारतीय डाक ये दोस्तों भारतीय डाक की स्थापना 1 अप्रैल 1854 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। दोस्तों जिस किसी को भी इसका PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां, हाल ही में किसने 37 एयरफील्ड के आधुनिकरण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है। तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट टाटा पावर के बारे में दोस्तों, टाटा पावर की स्थापना 18 सितंबर 1919 को हुई थी। संस्थापक इसके डोबरजी टाटा, मुख्यालय है महाराष्ट्र। MD और CEO कौन है? त्रिवीर सिन्हा। त्रिवीर सिन्हा तो राजनाथ सिंह हमारे देश के कौन है? रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसने भारत को COVID-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है AIIB। तो दोस्तों AIIB का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना का 16 जनवरी 2016 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? चीन के बीजिंग में। अध्यक्ष कौन है? जिन लिकुन के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जारी जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण IEA की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में ऊर्जा की मांग कितने प्रतिशत तक घटी? दोस्तों इसका सही आंसर है 30% तक घट गई। तो दोस्तों देखेंगे इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को IAEA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण। इसकी स्थापना 1974 में। कई मुख्यालय दोस्तों इसका पेरिस फ्रांस में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में किसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया? कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का किसने किया? इसका आंसर है दोस्तों राजनाथ सिंह ने। तो यह यात्रा दोस्तों यह उत्तराखंड में बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी एक सड़क है जो नियंत्रण रेखा के करीब लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नया मार्ग खोलती है। राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। बात आई है दोस्तों उत्तराखंड में, उत्तराखंड में कितने दोस्तों? 3 दर्रे हैं, एक लिपुलेख दर्रा, एक माना दर्रा और एक नीति दर्रा। सबसे महत्वपूर्ण दर्रे हैं दोस्तों, इन्हें याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में मेरी लिपोन क्रिकेट क्लब MCC के अध्यक्ष के रूप में किसे दूसरा कार्यकाल मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर है कुमार संगकारा। दोस्तों देखते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट। कुमार संगकारा क्या श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। मेरी लिपोन क्रिकेट क्लब की स्थापना 1787 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। लंदन कहाँ दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10वां है, हाल ही में फ्लिपकार्ट कॉमर्स ने किसे फ्लिपकार्ट और मंत्रा के CFO, का फुल फॉर्म होता है दोस्तों? और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कौन नियुक्त किया गया है दोस्तों? इसका सही आंसर है श्री राम वेंकट रमन। तो इसके महत्व को देखेंगे दोस्तों, फ्लिपकार्ट की बात आई दोस्तों, फ्लिपकार्ट भारत की कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है?
पेरेंट कंपनी कौन सी? वॉलमार्ट है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति है। फ्लिपकार्ट के मालिक कौन है? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। दोस्तों फ्लिपकार्ट के बाद यह दूसरी बात आती है मंत्रा की। मंत्रा भारत की ये भी क्या है? ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। इसके सीईओ कौन है? अमर नगाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व थैलीसीमिया दिवस दोस्तों इसका आंसर है 8 मई को मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जानेंगे दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य है, इस दिवस का उद्देश्य थैलीसीमिया रोग की रोकथाम करने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। थैलीसीमिया क्या है दोस्तों? सीमा एक ऐसा रोग है जो रक्त द्वारा माता पिता से अनुवांशिक तौर पर बच्चों तक पहुंचता है और इस बीमारी में बच्चों में खून की कमी होने लगती है। विश्व थैलीसीमिया दिवस 2020 की थीम क्या है दोस्तों? द डॉनिंग ऑफ ए न्यू एरा फॉर थैलीसीमिया। थीम है टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एल्सा कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? एल्सा कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया दोस्तों? इसका आंसर आजिक रहाणे को। तो बात करते हैं दोस्तों ये एल्सा एल्सा क्या है? एल्सा अंग्रेजी सिखाने में मदद करने वाला एक मोबाइल ऐप है। एल्सा अजिंक्य रहाणे भारतीय क्रिकेटर हैं। एल्सा का फुल फॉर्म क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, किसने इतिहास में सबसे अमीर ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट मैग्नस कार्लसन इन्विटेशनल जीता? किसने जीता दोस्त? तो मैग्नस कार्लसन ने, मैग्नस कार्लसन जीता। तो इसका महत्वपूर्ण देख लेते हैं दोस्तों। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। मैग्नस कार्लसन ने भारत के विश्वनाथ आनंद शतरंज खिलाड़ी को हराया दोस्तों। बहुत वेरी वेरी क्वेश्चन है ये। मैग्नस कार्लसन ने क्या किया? भारत के विश्वनाथ आनंद शतरंज के खिलाड़ी को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, तो 14 क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया? हाल ही में किसने आयुष ऐप का शुभ आरंभ किया? तो दोस्तों किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। दोस्तों इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखते हैं। आयुष संजीवनी ऐप का उद्देश्य कोविड-19 बीमारी के इलाज में आयुर्वेद की भूमिका तलाश करना। डॉक्टर हर्षवर्धन दोस्तों क्या है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। वेरी वेरी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर बेड की सुविधा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है दोस्तों? कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर उपलब्ध कराने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज के 15 क्वेश्चन खत्म होते हैं दोस्तों। क्विक रिवीजन के लिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP ग्रोथ को कितना कर दिया? कितना कर दिया दोस्तों? शून्य कर दिया ने। चल, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इसे कब मनाया गया? विश्व प्रवासी पर दोस्तों 9 मई को मनाया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किसने कोविड-19 टेस्ट किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता किया? ICMR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उसने 37 एयरफील्ड के हाल ही में किसने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया? किसने? रक्षा ने। हाल ही में किसने भारत को कोविड-19 आपातकालों के लिए $500 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी दी है? किसने? IAIIB। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में ऊर्जा की मांग कितने प्रतिशत घटी थी दोस्तों? 30% 30% घटी थी। हाल नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आठ क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया? राज सिंह। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मैरी लेमोन क्रिकेट क्लब एमसी के अध्यक्ष के रूप में किसे दूसरा कार्यकाल मिला है? कुमार संगकारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में फ्लिपकार्ट कॉमर्स ने किसे फ्लिपकार्ट और मंत्रा के CFO नियुक्त किया? किसे? श्री राम वेंकट रमन को। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया गया वो कब मनाया गया? तो 8 मई को मनाया गया। हाल ही में एल्सा कॉर्प का ब्रांड एक्शन किसे नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया दोस्तों? आजित के रहाणे को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने इतिहास में सबसे अमीर ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट मैच इन्विटेशनल जीता? किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आई संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया? किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। दोस्तों तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों, इसका PDF डाउनलोड करना है तो वो टेलीग्राम साइंस पावर जी पर ज्वाइन हो सकता है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड करता है। तो दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में भी जानते हैं दोस्तों। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, 3 मई को विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 5 मई को के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया और 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाएगा और 12 अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाएगा, 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस मनाया जाएगा और 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाएगा, 20 मई को एक और विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 23 को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाएगा, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाएगा, 25 मई को विश्व थायरॉयड दिवस जाएगा, 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाएगा, 30 मई को गोवा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया जाएगा और 31 मई को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों जिस किसी को भी PDF डाउनलोड करना है तो वो इस पर साइंस पावर स्टडी मुहैया कर दे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो पहली बार मैंने ये वीडियो बनाया है, इसमें जो भी सुधार करना है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या सुधार करना है।